वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट, टी रेशियो, क्रिटिकल रेशियो या स्टूडेंट टी टेस्ट। तो पहले तो इसमें जो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, मतलब कि मीन्स यानी कि एक से ज़्यादा मीन है, दो मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस कि कितना सार्थक अंतर है, दो मीन्स के बीच में कितना सार्थक अंतर है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, ये जानने के लिए हम टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इसके बारे में याद रखने हैं कि टी टेस्ट को हम टी रेशियो भी बोलते हैं, क्रिटिकल रेशियो भी बोलते हैं, और जो हमारा टी टेस्ट है ये एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक मेथड है, इसे हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं, जिसके द्वारा मेनली दो मीन्स के बीच में हम अंतर की सार्थकता यानी कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं या अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं। और इस मेथड को सब इस मेथड का जो प्रयोग है वो हम कोरिलेशन जैसे कि पियर्सन आर, पॉइंट बाय सीरियल, रैंक डिफरेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले इसे डब्ल्यू एस गॉसेट ने प्रपोज किया था, फिर बाद में उन्होंने इसे स्टूडेंट पेन नेम से इसको टी टेस्ट की व्याख्या की थी, इंटरप्रेट किया था, और इसलिए इसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। बाद में फिशर ने इसे कई डिफरेंट मेथड के थ्रू इसे इंटरप्रेट किया है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को कि टी टेस्ट यानी कि टी रेशियो दो मीन्स के अंतर तथा इस अंतर की स्टैंडर्ड एरर का एक रेशियो होता है। ठीक है, और इस टी रेशियो को सबसे पहले डब्ल्यू एस गॉसेट ने स्टूडेंट पेन नेम के साथ 1908 में क्या किया था, प्रपोज किया था, इसलिए इसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। बाद में फिशर ने डिफरेंट मेथड का प्रयोग करके इसे इंटरप्रेट किया है। तो ये हमारा हो गया, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टी टेस्ट है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, पहला अजम्पशन ये है कि जो सैंपल होता है, जो दो सैंपल हमारे पास होंगे, दो सैंपल से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा हो, कुछ स्कोर्स मिल रहे होंगे, वो नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, और जो रिसर्चर है उसको चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके या देखे कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है, सिर्फ मन से नहीं कि नॉर्मल है, उसको ये देख लेना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिला है वो नॉर्मल है या नहीं है, तभी वो टी टेस्ट का यूज़ कर सकता है। ठीक है, फिर जो सैम्पल से मिले जो स्कोर्स हैं उसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस का होना ज़रूरी है। होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस को हम एस जी स्क्वायर से दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि दो जो ग्रुप हैं हमारे पास उसमें जो भी वेरियंस हैं वो या तो बराबर हो, या पहला ग्रुप का जो एस जी स्क्वायर है दूसरे ग्रुप के एस जी स्क्वायर के एकदम ठीक आसपास हो। ठीक है, इसके लिए हम बार्टलेट ने एक टेस्ट बनाया था होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, उसको भी करते हैं। तो तीन तरह की कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। पहला, जब दोनों ग्रुप्स जिनके मीन्स की सिग्निफिकेंस डिफरेंस या अंतर की सार्थकता की जांच करनी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए दोनों ही ग्रुप्स। जब दोनों समूहों जिनके मीन्स के सिग्निफिकेंस डिफरेंस को हमें जांचना है वो आपस में कोरिलेट भी होने चाहिए। ठीक है, जब दोनों समूहों जिनके सिग्निफिकेंस डिफरेंस की हमें जाँच करनी है वो आपस में मैच्ड हों, और इस मैचिंग का जो आधार है वो दोनों ग्रुप्स का एन होना चाहिए। ठीक है, एन भी हो सकता है, जैसे हमने गर्ल्स में 30 बच्चे ले लिए, बॉयज़ में 30 बच्चे ले लिए, गर्ल्स के भी 10 बच्चे, गर्ल्स के ग्रुप के 10 बच्चे, बॉयज़ के ग्रुप के 10 बच्चे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैचिंग हो रही है ना। तो ये है हमारा कुछ कंडीशन जिसके बेस पे हम टी टेस्ट लगा सकते हैं। टी टेस्ट कई कंडीशंस में लगता है, वन सैंपल टी टेस्ट होता है, पेयर टी टेस्ट होता है, और हमारा टू सैंपल टी टेस्ट होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि टी टेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं।
टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है टी टेस्ट, क्योंकि टी टेस्ट जब आप सीख लोगे अच्छे से तभी आप एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को सीख पाओगे। और ये जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि किस कंडीशन में किस सिचुएशन में टी टेस्ट अप्लाई होता है, ये है टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट मीन्स। इंडिपेंडेंट मीन्स के बीच में हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है जो मोस्टली यूज़ होती हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ के मनोविज्ञान में कुछ प्राप्तांक हमें मिले हैं जो आगे की टेबल में दी गई है। प्रश्न ये है क्या लड़के और लड़कियों के अंकों यानी कि स्कोर्स के जो मीन्स आए हैं उनके बीच में कोई सार्थक अंतर है, और इसके लिए पहले दोनों के मीन्स और SD निकाले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके टी फॉर्मूला में उनको रखेंगे और देखेंगे सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्कोर ऑफ बॉयज़ दिया गया है, स्कोर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, यानी कि X1 हमने दिया है बॉयज़ को और X2 से हमने दिखाया है, इंडिकेट किया है गर्ल्स के स्कोर्स को, ठीक है। X1 यानी कि बॉयज़ के स्कोर, X2 यानी कि गर्ल्स के स्कोर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखा होगा आपने स्कोर ऑफ बॉयज़ एक तरफ हो जाएगा, स्कोर ऑफ गर्ल्स एक तरफ हो जाएगा। X1 में वही सारे स्कोर्स हैं जो मैंने पीछे बताए थे, और वैसे ही हमने X2 का भी लिख लिया। अब X1 जो हमारा है उसमें हमने क्या किया, X1- हमने निकाला। X1- निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा जो X1 है उसके जितने भी स्कोर्स हैं सबको कैलकुलेट कर लीजिए। 543 आया, यानी कि सिग्मा X1 543 आया। ऐसे ही X2 को कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमारा X2 कितना आया, सिग्मा X2 आया 595। मीन निकालना मैंने आप लोग को बताया था BA थर्ड ईयर में। तो अब मीन कैसे निकालते हैं, हर ग्रुप में कितने कितने बच्चे हैं कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा मीन, हम लोगों ने मीन यहाँ निकाला है। मीन देखो कैसे निकालते हैं, सिग्मा X1 अपॉन N1। 543 बच्चे थे, 543 हमारा टोटल स्कोर आया और 10 लोग हैं, है ना। 543 स्कोर आया, 10 लोग हैं, तो हमारा मीन कितना निकला, 54.3। यानी कि हाँ, अज्यूम मीन हमारा 54 हुआ और CX यानी कि जो सेस बचा 0.3 है। ऐसे ही हमने मीन 2 निकाला, मीन 1 हमारा बॉयज़ के लिए है और मीन 2 हमारा किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। तो हमारा जब हमने मीन 2 निकालने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही X2 को कैलकुलेट किया, कितना आया, 595 अपॉन 10, क्योंकि 10 गर्ल्स भी हैं। इसको सॉल्व किया, 59.5 आया, 59 हमारा ज्यूम मीन हो गया और CX यानी कि हमारा CX बचा 0.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 54.3 मीन आया है हमारा, यानी कि 54 जो है इसको हम 60 से माइनस करते चलेंगे, ठीक है। X1- निकालने के लिए हमें 60 यानी कि जितने भी स्कोर्स दिए हैं उनसे हमें अपने जो हमें अज्यूम मीन मिला है उसको माइनस करते जाना है। तो 60 में से 54 गया 6 बचा, 55 में से 54 गया 1 बचा, 50 में से 54 गया तो -4 आया। ऐसे ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही हमने गर्ल्स में भी कैलकुलेट कर लिया, इसमें हमारा 59.5 आया था यानी कि 59 आया था, तो 65 में से 59 गया, 6 बचा। ऐसे ही पूरा कैलकुलेशन निकाल लेंगे, X2- हमारा निकल आएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम जो है हमारा, X1 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 6 6 36, 1 1 1, 4 4 16। जब हम ये करेंगे तो जो माइनस के साइन है वो बैलेंस हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा 6 सिग्मा X1 का स्क्वायर यानी कि निकल आएगा, उसको हम टोटल कर लेंगे। ऐसे ही हमारा ये वाला थर्ड कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे गर्ल्स का, सिग्मा X2 का स्क्वायर निकल आएगा जो हमारा 361 आया। ये बहुत सिंपल है, मैंने आप लोग को कराया है ये थर्ड ईयर में, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये तो वही है कि जो मैंने मीन निकालना बताया है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा क्या है कि हम अब SD1 निकालेंगे, ठीक है। SD1 SD2 हमें दो निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप हैं, तभी हम टी के फॉर्मूला में रख पाएंगे। अब SD1 लगाने के लिए हमने आप लोग को भी थर्ड ईयर में उसके फार्मूला बताए थे, SD1 का फॉर्मूला आपके सामने है,
दो 423, ठीक है 423 क्या आया है, सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर 423 आया थर्ड कॉलम वाला, ऐसे ही सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर 361 है। तो हम अब सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर रखेंगे 423, एन हमारा 10 है और सी एक्स यानी कि जो सेस बचा था वो 0.3 था, ठीक है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.50, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल का फॉर्मूला है एस डी वन अपॉन एन माइनस वन का रूट, ठीक है। अब 6.50 ओपन हो गया, 10 माइनस वन नीचे आ गया तो आपका 9 आ गया, इसको सॉल्व किया आपने तो 2.17 आ गया। ऐसी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमारा 2.17 आ गया और एस डी वन हमारा कितना आ गया 6.50। ऐसे ही हम एस डी टू निकालेंगे और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 निकालेंगे। ऐसे ही हमने गर्ल्स का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला और एस डी टू निकाला। एस डी टू हमारा कितना आया है 5.99, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ मीन 2 हमारा कितना आया है 2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। हमारा मीन 1 कितना था 54.3, मीन 2 59.5 था, एस डी हमारा 6.50, एस डी टू हमारा 5.99, एस डी स्टैंडर्ड ऑफ मीन एस सी एम 1 कितना था 2.17 और एस सी एम 2 2.00, एन 1 10 एन 2 10, ठीक है। अब टी का फॉर्मूला हमें रखा, टी इक्वल टू एम 1 माइनस एम 2 अपॉन एस डी, ठीक है एस डी का फॉर्मूला। तो अब हम एम 1 और एम 2 को सॉल्व करेंगे, 54.3 में से 59.5 घटा देंगे तो 5.2 हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम एस सी एम 1 का स्क्वायर प्लस एस सी एम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो इसकी वैल्यूज रख देंगे इसमें 2.17 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एस सी डी कितना निकल के आएगा 2.95। फिर हम टी का जो फार्मूला था हमारा, ठीक है जो हमारा टी का फार्मूला था हम उसको लगाएंगे। हमारा एम 1 एम 2 तो सॉल्व हो गया जो हमारा 5.20 निकल के आया है और वही हमारा एस डी कितना निकल के आया है 2.95। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1.76 आ गया हमारा। और डी एफ हमारा यहाँ पे हमारे दो ग्रुप हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम एन 1 में से माइनस 1 कर देंगे, ऐसे ही एन 2 में से माइनस 1 कर देंगे, यानी कि पहले ग्रुप में से एक को घटा देंगे दूसरे ग्रुप में से भी एक को घटा देंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 9 यानी कि 18 आ गया। अब हम देखेंगे दोनों मीन्स का हमारा जो वैल्यू आई है वो 18 डी एफ यानी कि दी गई टेबल में 18 डी एफ पे सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। 18 डी एफ इसमें देखिए डी एफ लिखा हुआ है किनारे, 18 डी एफ पे हम देखते हैं ना दो वैल्यूज होती है हमारी 0.05, यानी कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 100 में 5 बार से गलत होने की संभावना हो सकती है पर वो 95 टाइम्स सही होगा। ऐसे 1 में 99 टाइम्स क्या होगा सही होगा, एक बार गलत हो सकता है। इसपे वैल्यूज़ देखते हैं कितनी है, 2.1 और 2.8। 18 डी एफ पे 2.1 और 2.8 वैल्यू आई है हमारी, यानी कि 18 डी एफ पे हमारी 0.5 पे और 0.1 पे सार्थक होने के लिए टी को कम से कम 2.1 या 2.28 होना चाहिए, पर हमारा टी कितना है 1.76 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 लेवल पर भी सार्थक नहीं है, 0.1 पे तो हो ही नहीं सकता पर 0.5 पे भी सार्थक नहीं है, यानी कि लड़कों और लड़कियों बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो अचीवमेंट स्कोर है उसमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और रिसर्च हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी कि लड़के और लड़कियों के अचीवमेंट स्कोर में सिग्निफिकेंस डिफरेंस पाया जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा टी टेस्ट, ये टी टेबल है, इसको आप ध्यान से रखिएगा और इस कैलकुलेशन को आप अगर अच्छे से देखोगे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। ये था आपका टी टेस्ट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कैलकुलेशन कॉपी में करिएगा, सिर्फ वीडियो का सहारा लेके बार बार उससे मत देखिए, अपनी कॉपी में उतारिए
और उसको सबमिट करिए क्लास में असाइनमेंट फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना।